गाइस 21 माइलेज, ओ माय गॉड। यहाँ पे हम लोग एक जमाने पे रात को आया करते थे आफ्टर पार्टी। ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल में इतना स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। कैसा है आज का सनराइज? अच्छा है ना? गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब लोग? आज मैं हूँ उड़ीसा के पूरी सी बीच पे। आज मेरा जर्नी का लास्ट डे होने वाला है क्योंकि आज मैं पूरी से जा रहा हूँ कोलकाता। शुरू किया आज मेरा 10,000 किलोमीटर जर्नी का लास्ट डे होने वाला है। लास्ट 45 डेज से मैं पूरा इंडिया टूर कर रहा हूँ। इंडिया के 15 स्टेट्स मैंने कवर किया। ये जर्नी एक इनक्रेडिबल जर्नी था मेरे लिए। इट वॉज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। तो अगर आप लोगों को ये जर्नी देखना है तो मेरे पिछले वाले एपिसोड्स में जाइए मेरे चैनल पे, वो सारे एपिसोड्स है, आप देख सकते हो। बीच में मैं 2 हफ्ते के लिए मेरा तबीयत डाउन हो गया था, लेकिन मैंने अपना जर्नी स्टॉप नहीं किया, थोड़ा रेस्ट लेके फिर से कंटिन्यू किया और कल मैं आया है उड़ीसा के पूरी सी बीच पे। तो और आज यहाँ से जा रहा हूँ मैं कोलकाता। आज होने वाला है लास्ट डे और मेरा ट्रिप यहीं पे खत्म होने वाला नहीं है क्योंकि मैं आगे प्लान कर रहा हूँ अब्रॉड में रोड ट्रिप करने के लिए। तो अब इंटरनेशनल होगा, प्लानिंग चल रहा है और ये डेली व्लॉग है, आप लोगों को पता चलता रहेगा। तो आज की जर्नी शुरू करते हैं यहाँ से, चलिए। इतना अच्छा नजारा है ना। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं, बीच को बाय बाय बोल देते हैं। मेरा अपलोडिंग का काम भी चल रहा है यहाँ, ऐसे ही होता है जर्नी हम लोगों का। तो फिलहाल मरीन ड्राइव रोड पकड़ के पहले तो पुरी से निकलेंगे, पुरी से निकल के पहले पहुँचेंगे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के बाद आएगा बालेश्वर, बालेश्वर के बाद है अपना खड़गपुर, सुना होगा नाम आप लोगों ने शायद, और खड़गपुर के बाद आएगा कोलकाता। ये मैं मेजर जो स्टॉपेज है वही सब बोल रहा हूँ, बीच में बहुत सारे छोटे छोटे शहर आएगा शायद। यहाँ पे मैंने 20 साल पहले आया था, तब ये कुछ नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, ये सब नया बना है। तो देख के अच्छा लगा कि 20 साल में बहुत तरक्की कर लिया। तो सी बीच को बाय बाय बोल देते हैं, फिर से मिलेंगे। सुबह निकलने का यही फायदा है कि कोई नहीं है रोड पे, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगी। अभी हम लोगों को जाना है आज ऑलमोस्ट 520 किलोमीटर और फिलहाल मैंने थोड़े बहुत कवर कर लिया, अभी बाकी है 510 किलोमीटर। आज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सब ठीक ही है, 35 35 35 ही दिखा रहा है। तो गाइस क्विक फ्यूल अप करवा लेते हैं। लास्ट फ्यूल अप करवाया था मैंने आंध्रा से, तो अभी उड़ीसा से करवाएंगे। उड़ीसा में प्राइस थोड़ा सा कम है, 103। तो यहाँ ऑटो कट तक आया 40 लीटर 4139 रुपीज़ में। भुवनेश्वर से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं, अभी तक तो रोड कंडीशंस अच्छा है, देखते हैं आगे क्या है। आज माइलेज देखिए 18 दे रहा है भुवनेश्वर, यहां से 18 किलोमीटर दिखा रहा है।
अभी तक रोड कंडीशन एकदम फर्स्ट क्लास है। भुवनेश्वर सिटी में आ चुके हैं, आई थिंक सिटी बाईपास करके हाईवे पकड़ रहे हैं हम लोग। भुवनेश्वर क्रॉस कर रहे हैं अभी फिलहाल। किलोमीटर लगाया हुआ है यहाँ पे कोलकाता जैसा, ये देखिए आज तो माइलेज कमाल ही कर दिया भाई, 19.1 दिखा रहा है अभी। इस गाड़ी का फंडा मैं समझ गया, आप अगर 60, 70, 80 के नीचे रहोगे सिक्स गियर में तो ये कम से कम 18-19 तो माइलेज देने वाला है ही, और आप अगर 100 के ऊपर जा रहे हो तो फिर आपका कम हो जाएगा, मतलब वही 14 में आ जाएगा, 14-15 में आ जाएगा। ऑफकोर्स आप अगर 110-20-30 पे चलाओगे तो कोई भी गाड़ी नहीं देगा इतना माइलेज। ये चला जा रहा है कटक की तरफ और हम लोग चले जाएंगे कोलकाता की तरफ। इस रिवर का नाम है कथा जोड़ी रिवर। फिर से और एक रिवर, तो बीच में 3-4 ब्रिज, 1-2-3-4, बाप रे इतने सारे ब्रिजेस है। महानदी है, दिखा रहा है मैप में यहाँ पे, इसीलिए इतना बड़ा है। देखते देखते ओडिशा भी क्रॉस कर ले रहा है। यहां से बालासोर है 150 किलोमीटर और कलकत्ता है 400 किलोमीटर। हर एक 100 किलोमीटर में एक ब्रेक लेंगे, 4 ब्रेक में हो जाएगा, पहुंच जाएंगे। वैसे 4 ब्रेक भी लेना नहीं पड़ता है लेकिन मेरा पीठ अकड़ जाता है इसीलिए मैं ले लेता हूँ। गाड़ी से उतर के 5-10 मिनट इधर उधर वॉक करो फिर चलाना स्टार्ट। द रोड कंडीशन इज वे बेटर ऑन दिस साइड। वो वाइजाक से जब भुवनेश्वर आ रहे थे उस साइड से तो बेटर है ये साइड। अभी तक कितना 110 किलोमीटर आ चुका हूँ, एक भी डाइवर्शन नहीं है, एक भी टूटा फूटा नहीं मिला। आज भी पहाड़ दिख गया। आज लग रहा है माइलेज 20 टच करेगा। वैसे भी ओडिशा में आप 80 के ऊपर जा नहीं सकते, तो चलो माइलेज का ही मजा ले लेते हैं आज। गाइस 20 माइलेज, पूरे 10,000 किलोमीटर रोड ट्रिप में पहली बार 20 माइलेज दे रहा है आज। घर लौट रहा हूं ना इसीलिए पूरा वसूल करके दे रहा है। गाइस 21 माइलेज, ओ माय गॉड। अभी फास्टैग में बैलेंस लो हो गया था, ये लोग अच्छे थे, बोले कि आप यहीं पे खड़े होकर रिचार्ज कर लो फिर जाओ, पैसे देने का दरकार नहीं है। तो मैंने रिचार्ज करवाया वहां पे, फिर मेरा गेट ओपन हुआ,
गाइज एक ब्रेक ले लिया, तभी बालासोर आने वाला है, पेट में दर्द हो रहा था। तो इसीलिए सोचा कि एक ब्रेक ले लिया जाए। ये बालासोर से पहले है, यहाँ से बालासोर और 40 किलोमीटर होगा, उसके बाद आएगा वेस्ट बंगाल बॉर्डर। आज टायर में प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, सब ठीक ठाक ही है, मेन प्रॉब्लम इसी में हो रहा था। हल्की हल्की नींद भी आ रही थी तो वॉक कर लिए थोड़े बहुत, अभी ठीक लग रहा है। चलिए शुरू करते, अभी भी 300 किलोमीटर जाना है। ये कुछ देर से ऐसा ही चल रहा है बालासोर से पहले, मतलब उस तरफ रास्ता बन रहा है अभी, अभी डबल वे हो गया है। लास्ट 10 किलोमीटर से ऐसा डाइवर्शन मिल रहा है, वन वे हो जा रहा है कभी कभी। ये भद्रक और बालासोर के बीचों बीच जो सेक्शन है उसी में बहुत सारा ऐसा काम चल रहा है। आई थिंक बालासोर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग कभी। गाइस अब आने वाला है वेस्ट बंगाल बॉर्डर। बहुत दिन बाद वेस्ट बंगाल घुस रहा हूं मैं। गाइस मैं अभी बढ़िया स्पीड पकड़ लिया क्योंकि कैमराज और दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी 100 पे खींच रहा हूँ। खड़गपुर 95। ओके, ये शंभू भाई साहब बहुत गुस्से में है लग रहा है, अब जाके मेरे को साइड दे रहा है। बहुत देर से साइड मांग रहा था, नहीं दे रहा था। फाइनली वेस्ट बंगाल में एंटर किए, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद। अभी अभी वेस्ट बंगाल एंटर किया है, थोड़े देर में ही खड़गपुर आने वाला है, जहाँ पे अपना महेंद्र सिंह धोनी ने अपना काम शुरू किया था। खड़गपुर यहाँ से 61 किलोमीटर, रानीगंज 2333, हल्दिया 186। गाइज मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मतलब कहाँ था कहाँ आ गया। वेस्ट बंगाल से निकला फिर नॉर्थ गया, हिमाचल तक, सिसु तक गया एक्चुअली, फिर सिसु से एक्सट्रीम वेस्ट, मतलब दनॉट सैंड ड्यून्स डेजर्ट, जहाँ पे थार डेजर्ट है, वहाँ जैसलमेर, कहाँ कहाँ, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर तक चला गया वेस्ट में। फिर वहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट्स होके फिर ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स भी देखा। ये फीलिंग बहुत अमेजिंग है, मतलब ये जो लोग रोड ट्रिप्स करते हैं उन लोगों को पता है होगा, ये फीलिंग दूसरा है। मतलब ये जो लोग रोड ट्रिप्स करते रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि हाउ इट फील्स लाइक, हाउ गुड यू फील फ्रॉम इनसाइड। मुझे तो खुद पे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने ये कर लिया ऑलरेडी। एनीवे गाइस मैं गाड़ी लेके गोवा नहीं जा पाया, आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज मेरा एक अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए आज फ्लाई करके जाना पड़ा था, नहीं तो मैं गोवा भी गाड़ी लेके ही जाता। बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम आई विल टेक माई कार टू गोवा ऑल्सो। नेक्स्ट एक प्लान करेंगे कैलकटा टू बॉम्बे टू गोवा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा रोड ट्रिप देखना चाहते हो, नेशनल देखना चाहते हो या फिर इंटरनेशनल देखना चाहते हो। वैसे मैंने एक इंटरनेशनल का भी रोड ट्रिप का प्लान कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या देखना है, कौन सा देखना पसंद होगा ज़्यादा।
ईस्ट बंगाल एंटर करने के बाद रास्ता एकदम सही हो गया। देखिए क्या रोड बनाए हैं, बहुत बढ़िया रोड। अच्छा यहाँ पे एयर स्ट्रिप बना रहा है, ये एयर स्ट्रिप बनाया है ये लोग। जैसे आप लोगों को दिखाया था मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे में, ये सारे एक्सप्रेसवेज में एयर स्ट्रिप होते हैं। क्योंकि अगर कंट्री में, अपना देश में अगर इमरजेंसी हो गया तो, या फिर कोई भी कुछ भी फ्लाइट में इमरजेंसी हुआ तो लैंड करवाने के लिए ये किया गया है, इसीलिए ये इतना चौड़ा है। और यहाँ पे देखिए पूरा ये किया हुआ, मार्किंग किया हुआ है, ये देखिए। ये स्पेशली फ्लाइट लैंडिंग के लिए किया जाता है। ये आपातकालीन स्थिति में यूज किया जाता है। बंगाल में इतना स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, मजा आ रहा है। भाई कोलकाता कोलाघाट वाला रास्ते पे आ गया, अब तो घर जाने की खुशी हो रही है बहुत। इतना दिनों बाद मॉम डैड से मिलेंगे। कोलाघाट आ गया हाईवे, इनमें एक बार ब्रेक ले लेते हैं, लंच नहीं किया, लंच कर लेते हैं यहाँ पे। एक्सप्रेस फूड प्लाजा में आ गए अभी। गाइस मैंने कोलकाता आते ही देखिए ऑथेंटिक बंगाली फूड ऑर्डर किया, देखते खा के। तो गाइस खाना खा लिया मैंने, अभी घर के लिए और लगेगा 1 घंटा 50 मिनट कम से कम। यहाँ से 76 किलोमीटर दूर है मेरा घर, तो चलिए लास्ट 76 किलोमीटर तय कर लेते आज के लिए। यहाँ पे हम लोग एक ज़माने पे रात को आया करते थे आफ्टर पार्टी। ये यहाँ पे ये नया वाला बना है, इससे पहले और एक था शेरे पंजाब, तो हम लोग रात भर पार्टी करके यहाँ पे आते थे लॉन्ग ड्राइव पे। ये सिटी घुसने से पहले धूलागढ़ है, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। बहुत दिन बाद ये येलो टैक्सी देख रहा हूँ, ये सीधा दिल्ली जा रहा है धनबाद होके, और मैं यहाँ से कट ले लूंगा अभी सिटी की तरफ फाइनली बहुत दिन बाद। अभी थोड़ा मिक्स फीलिंग्स हो रहा है मेरा, ऐसे घर जाने की खुशी भी है और एक इतना यादगार रोड ट्रिप एंड हो रहा है उसका थोड़ा सा गम है, लेकिन ठीक है कोई नहीं, जल्द दूसरा ट्रिप का प्लान बनाता हूँ मैं, फिर से शुरू करेंगे। इस रोड ट्रिप का आखिरी टोल टैक्स, मेरा घर यहाँ से बहुत नज़दीक है, बस 20 मिनट लगेगा यहाँ से जाने में। ये है निवेदिता ब्रिज, लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रिज है ये वाला पुराना वाला है, इसके ऊपर से ट्रेन भी जाता है, और ये है नया वाला ब्रिज। तो गाइज मैं फाइनली घर आ चुका हूँ। मैं घर आके थोड़ी देर के लिए सो गया था क्योंकि ऑलमोस्ट 530
30-40 किलोमीटर ड्राइव कर लिया था। आप लोगों को कैसा लगा ये जर्नी? ये जर्नी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये मैं कंटिन्यू करूँगा और अभी तो प्लानिंग भी चल रही है बाहर जाने का, तो देखते, क्योंकि बाहर अब्रॉड में रोड ट्रिप करना इतना ईजी नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए होते हैं, बहुत रूल्स रेगुलेशंस एंड बहुत परमिशंस लगते हैं, तो देखते हैं अगर सब कुछ फुलफिल होते तो ऑफ कोर्स जाएंगे, पर ना क्या है इंडिया पे करेंगे, कोई बात नहीं। तो आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, प्यार देते रहिए, क्योंकि एक आप ही लोग हो जो मुझे आगे लेके जा सकते हैं, और आप लोग इतना प्यार दे चुके हो मुझे ऑलरेडी, आप लोग एपिसोड्स देख रहे हो, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी, फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल बटन दबाने में मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा व्लॉग एवरीडे आता है, तो जब भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ अगर आप बेल बटन दबाते हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाता है कि मैंने वीडियो पोस्ट किया, और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करिए, वहाँ पे भी चाहिए मुझे प्यार आप लोगों का, वहाँ पे रियल टाइम में आती है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, चलिए बाय बाय।